गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी तक क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, वो चार चैप्टर पढ़ लिए हैं। उनमें से जो अभी लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है वो वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर पढ़ा, उसकी पूरी थ्योरी हमने देखा। मैंने यहीं पर आपको वर्क ट्रांसफर फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए करा दिए थे, फिर हीट ट्रांसफर पढ़ाया। और जो हीट ट्रांसफर है उस हीट ट्रांसफर में मैंने आपको दिखाया कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, फिर आपको दिखाया कि स्पेसिफिक हीट गैसेस के लिए क्या होती है, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, सारी कहानी मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्पज से नहीं पढ़ा रहा। मेरी क्लास का पर्पज है विथ वन डे एग्जाम इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी तो जरूरी है। हम कई बार ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को रट लेते हैं इंटरव्यू और रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं, बट इंटरव्यू में हमसे कोई पूछता है तो हम उसका सॉलिड रीजन नहीं दे पाते। तो इसलिए मैं आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसको आप सोचिए मैं 2010 से गेट की क्लासेस को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसलिए जो मैं आपको बताऊंगा वो इंटरव्यू पर्पज, रिटेन, एग्जामिनेशन सबके लिए बताऊंगा, केवल एक के लिए नहीं बताऊंगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा हम लोगों ने किस तरीके से स्पेसिफिक हीट सीपी और सीवी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पिस्टन मूव करेगा, किस में वर्क होगा, किस में नहीं होगा, किस में केवल हीट होगी, ये बातें हम लोगों ने किया। आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे उम्मीद करता हूं। आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बात करिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है। अश्विनी सर से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको सर नंबर दे देंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। हमने हीट और वर्क ट्रांसफर पढ़ा है, अब पहले उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पे यानी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे, एक से एक कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको बताऊंगा मैं फर्स्ट लॉ पे। आप देखोगे तो आप कहोगे अच्छा ये होती हैं चीजें, मैं आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर करके दिखाऊंगा कि यस ये होती हैं चीजें, फिर आप देखिएगा कि आपको क्या थर्मोडायनेमिक्स में लगता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की यानी वर्क एंड हीट ट्रांसफर के न्यूमेरिकल्स की यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं, करते हैं, ये मेरा काम है, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, बट घर पे भी इनके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फर्स्ट है ट्रांजिएंट एनर्जी, ठीक है, ट्रांजिएंट एनर्जी यानी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हीट एंड वर्क, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर फर्स्ट है कैलोरी इज ए मेजर ऑफ, कैलोरी इज ए मेजर ऑफ, क्या मेजर करती है कैलोरी, कैलोरी इज ए मेजर ऑफ, मैंने आपको यूनिट भी बताई है कि अगर हीट की यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कितने कैलोरी का मतलब कितनी उसमें हीट है, ठीक है, हीट की बात करता है यानी मेजरमेंट ऑफ हीट की बात करेगा। तो ये तो आपका ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट की बात करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो क्वांटिटी ऑफ हीट की बात करेगा, ठीक है, एंट्रोपी की बात नहीं करेगा, थर्मल कैपेसिटी की बात नहीं करेगा, इसकी बात करेगा, ठीक है, इसकी बात करेगा, सिर्फ कैलोरीज लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी बात करेगा। वही हीट बाद में पर केजी जब कैलकुलेट करते हैं तो वो स्पेसिफिक हीट की बात करने लगता है, बट यहां पे कैलोरीज लिखा हुआ है तो कैलोरीज का मतलब, कैलोरी का मतलब हीट मेजरमेंट की बात करेगा, कैलोरी का मतलब हीट मेजरमेंट की बात करेगा। अगर वो कैलोरी पर केजी की बात कर रखता इनटू डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता, या किलो कैलोरी पर ग्राम की बात करता, या किलो कैलोरी पर केजी इनटू डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता, तो वो किसकी यूनिट हो जाती, वो स्पेसिफिक हीट की यूनिट हो जाती,
ठीक है, बट यहां कैलोरी लिखा है तो हीट मेजरमेंट की क्वांटिटी आप हीट की बात करेगा, किसी और की बात नहीं करेगा, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर टू, ये भी आपने पढ़ा है, ये भी आपकी नोट्स में लिखा हुआ, जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराई गई होगी उस नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है, उस नोट्स में लिखा हुआ, सबकी यूनिट अलग अलग बना हुआ है कि अगर आपके मैट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट इज गिवेन बाय, मैट्रिक सिस्टम में यूनिट क्या है हीट की, यह भी आपको लिखाया गया, ठीक है, तो यह भी आपकी उसमें लिखा हुआ, इसको भी अलग से करने की जरूरत नहीं, यह क्वेश्चन तो सिंपल से इनिशियल वाले क्वेश्चन थे, ये आपको पता है, ठीक है, कि अगर मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम की बात करता है तो किलो कैलोरी की बात करता है, केल्विन की बात तो टेम्परेचर की बात करता है, ठीक है, कितना टेम्परेचर है, बीटीयू की बात करेगा ना, ये आपकी सीट एक आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराई गई है, आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराई गई है उस नोट्स में ये है क्वेश्चन नंबर वन और टू, ठीक है, सीधे, तो इसलिए मैं इस पे बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ता हूं कि ये आपको लिखाया गया है, ये आपको बताया गया है, ये आपकी नोट्स में अवेलेबल है, इसलिए ये सीधे किलो कैलोरी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, गैसेज हैव क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गैसेज हैव थ्री स्पेसिफिक हीट, वन स्पेसिफिक हीट, टू स्पेसिफिक हीट्स, मैंने आपको बताया, आपको अलग से पढ़ाया है कि अगर वो गैसेज की बात करता है तो गैसेज का मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर जब भी बात करेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब भी बात करेगा, यानी यहां से इसको फिक्स कर दिया, यहां से इसको फिक्स कर दिया, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता है, यहां पे गैस भरी है, यहां पे भी गैस भरी है, और ये इस पे कांस्टेंट प्रेशर की बात करेगा, यानी P इक्वल टू कांस्टेंट की बात करेगा, इस पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा, यानी V इक्वल टू कांस्टेंट की बात करेगा, जब कांस्टेंट की गैस की बात करेगा, कांस्टेंट प्रेशर की बात करेगा, तो स्पेसिफिक हीट Cp की बात करेगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा तो स्पेसिफिक हीट Cv की बात करेगा, और मैंने डिटेल से पूरा बताया है कि अगर स्पेसिफिक हीट की बात करता है तो गैस के केस में दो स्पेसिफिक हीट होती है, लिक्विड और सॉलिड के केस में केवल एक स्पेसिफिक हीट होती है, उसके अलावा कोई दूसरी स्पेसिफिक हीट नहीं होती है। तो ये क्या लिखा है ऊपर, ऊपर गैसेज है, गैस के केस में मैंने आपको बताया दो स्पेसिफिक हीट, एक को कांस्टेंट वॉल्यूम कहा गया सीवी और दूसरे को कांस्टेंट प्रेशर कहा गया सीपी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टू स्पेसिफिक हीट, दो स्पेसिफिक हीट होती है गैस के केस में, दो स्पेसिफिक हीट होती है गैस के केस में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी व्हेन दे हैव, हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कब फ्लो करेगी, मैंने आपको हीट ट्रांसफर की डिफिनेशन बताई है, व्हेन द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस देन इट इज ए हीट अदरवाइज इट इज ए वर्क। तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होना है, इसका टेम्परेचर टी वन है, इसका टेम्परेचर टी टू है, टी वन इज ग्रेटर देन टी टू है, तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है और हायर से लोअर की तरफ होगा, यानी हमेशा हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही होगा, किसी और की तरफ नहीं होगा। इसका मतलब हुआ हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दे हैव डिफरेंट हीट कंटेंट, नो डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, नो डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, नो डिफरेंट टेम्परेचर, जब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, जब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तभी हीट का फ्लो होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू, ऑफ एयर इज इक्वल टू,
जो एयर है उसकी जो दो स्पेसिफिक हीट है उनका रेशियो क्या होगा। भैया अगर आपने कहा था, मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर ये कांस्टेंट प्रेशर वाला है तो ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरी है, इसको आपने हीट किया तो इसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है। जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो सीपी की वैल्यू है, सीपी है, ठीक है, सीपी है कांस्टेंट प्रेशर पर। और अगर यही कांस्टेंट वॉल्यूम है, यही कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये पिस्टन है, पिस्टन को आपने क्या किया, फिक्स कर दिया, पिस्टन ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, तो यहां पे सीवी है, यहां पे सीवी है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, यानी इसका वी कांस्टेंट हो गया, वी कांस्टेंट हो गया। एक का प्रेशर कांस्टेंट है, दूसरे का वी कांस्टेंट है, गैस है, दो स्पेसिफिक हीट होंगी, एक को कांस्टेंट प्रेशर कहा गया, एक को कांस्टेंट वॉल्यूम कहा गया। अब आप निकाल सकते हो किस किस के स्पेसिफिक हीट क्या हो सकती है, आप निकाल सकते हो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ डेटा याद रखने, इसके कुछ डेटा याद रखने हैं कि सीपी की वैल्यू कितनी होगी 1.005, सीवी की वैल्यू कितनी होगी 0.0718 करके समथिंग कुछ आती है, निकालेंगे तो देखेगा देखिएगा यही वैल्यू आई। दोनों का रेशियो कई बार मैंने बताया कि जो सीपी बाई सीवी होता है उसी को गामा कहते हैं, और गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.41 होती है, 1.41 होती है। भाई यही तो बताया, कितनी बार ये क्वेश्चन आया, कितनी बार मैंने आपको पूरे थ्योरी जब पढ़ा रहा था तो कितनी बार इस चीज को मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सीपी की वैल्यू इतनी, सीवी की वैल्यू इतनी, दोनों को रेशियो निकाल के कैलकुलेट करोगे तो लगभग यही वैल्यू आएगी, और गामा की वैल्यू फॉर एयर 1.4 होती है, ये हम हमेशा जानते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये डेटा आपको याद रखना है, ये डेटा आपको याद रखना है। जब तक ये डेटा याद नहीं रखेंगे कई जगह आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोनों का रेशियो 1.41 कौन सा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यानी 1.41 1 से कम तो नहीं हो सकता, क्यों, टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, उसने सीपी बाई सीवी, हमेशा ले लीजिएगा गामा, क्योंकि सीपी बाई सीवी को ही गामा कहते हैं, और गामा की वैल्यू 1.41 होती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, दिस इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट सीपी बाई सीवी, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बार बार, अभी फिर इनकी वैल्यू जब फर्स्ट लाएगी तो फिर वहां से मैं इनकी वैल्यू एक बार गामा के टर्म में रिलेशन निकालूंगा, वहां फिर से बताऊंगा मैं इनको, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट निकालना है भैया, मैंने आपको बताया कि क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, इसका क्या मतलब हुआ भाई, क्यू की यूनिट, क्यू की यूनिट आप जूल में रख सकते हैं, ठीक है, जब इसको जूल में रखिए, ठीक है, आप मास को ग्राम में रख दीजिए, डेल्टा टी का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, या किलो जूल पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, इसका मतलब देख लीजिए, ये नहीं हो सकता, जूल पर ग्राम नहीं हो सकता, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, अब लेटेंट हीट का मतलब है कि Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, तो L इज इक्वल टू Q बाई एम, अब Q की वैल्यू
आप कैलोरी में भी रख सकते हैं, जूल में भी रख सकते हैं, ठीक है, मास या तो केजी में रख सकते हैं या ग्राम में रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से आप देखेंगे तो ये लेटेंट हीट या तो कैलोरी पर केजी कह सकते हैं या तो जूल पर केजी कह सकते हैं, बट पर केजी केल्विन नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलोरी में रखते हो, कैलोरी में रख सकते हो, तो मास केजी में अगर रखना तो कैलोरी पर केजी तो होगा, क्योंकि वैल्यू यानी हीट है, तो जूल में रख सकते हो, तो जूल और मास की वैल्यू केजी में रखिए, तो जूल पर केजी होगा, जूल पर केजी केल्विन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों हैं, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है उसमें ए भी है बी भी है, बोथ आर करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या होगा इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, मैंने बताया एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो जो बेसिक है दैट इज द टेम्परेचर, उसके आगे भी आप बातें कर सकते हो, उसके आगे भी बातें कर सकते हो, बट यहां पे जो बेसिक है उसको उसी की हम बात करेंगे, तो टेम्परेचर की ही बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए परमैनेंट मास की जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही स्पेसिफिक हीट है, तो इसलिए दिस इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिए ध्यान से, व्हेन, अच्छा अब ये क्वेश्चन कायदे से तो होना चाहिए था हीट ट्रांसफर में, कायदे से तो होना चाहिए हीट ट्रांसफर में, बट ठीक है यहां पे आया है तो मैं करा देता हूं क्वेश्चन को। कायदे से ये क्वेश्चन किसका है, हीट ट्रांसफर का। देखिए मोड ऑफ जो हीट ट्रांसफर होते हैं वो तीन होते हैं, एक को बोलते हैं कंडक्शन, दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्शन, तीसरे को बोलते हैं रेडिएशन। तो मोड ऑफ जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो तीन है, एक को कहा कंडक्शन, दूसरे को कहा कन्वेक्शन, तीसरे को कहा रेडिएशन, रेडिएशन। व्हेन द हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड, हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड, देयर इज नो मॉलिक्यूल मोशन, यानी वहां पे कोई मोशन ना हो, फ्लूड का मोशन ना हो, फ्लूड फ्लो ना करे, स्टेशनरी रहे, तो उसे कंडक्शन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ये रॉड है, इस रॉड को एक किनारे से हीट करो, एक किनारे से हीट करो, ये इसको हीट देगा, ये अपने बगल वाले को हीट देगा, ये बगल वाले को हीट देगा, ये बगल वाले को हीट देगा, लेकिन इसमें कोई भी फ्लूड का मोशन नहीं होगा, तो यह कंडक्शन कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। और जब किसी सॉलिड और कोई फ्लूड हो जो फ्लो करे, उनके बीच में हीट का ट्रांसफर हो, तो वो कन्वेक्शन कहलाएगा, वो कन्वेक्शन कहलाएगा। जब फ्लूड मोशन में हो, अगर मोशन में हो तो वो कन्वेक्शन कहलाएगा। अब कन्वेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक को नेचुरल कहा जाता है और दूसरे को फोर्स कहा जाता है, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब है जब जो फ्लूड फ्लो करे अगर वो ड्यू टू डेंसिटी करे, डेंसिटी को रो से डिनोट करें, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लूड फ्लो हो तो नेचुरल कन्वेक्शन हो। जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए, जैसे फैन लगा दिया जाए या ब्लोवर लगा दिया जाए, उसकी वजह से फ्लूड फ्लो हो, उसे फोर्स कन्वेक्शन कहा जाता है। जैसे आप घर में अगर पानी को गर्म करते हो
तो पानी आपने एक बकेट एक बर्तन में भर दिया, उसको हीट दिया, जब पानी नीचे से गर्म हुआ तो जैसे ही नीचे से गर्म हुआ तो उसकी डेंसिटी कम हुई तो नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। भाई नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, मान लीजिए इसमें भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी अगर कम हो गई, आपने इसको हीट प्रोवाइड किया तो यह ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर का पानी भारी रहता है नीचे की तरफ आता है, तो वहां पर डेंसिटी का डिफरेंस हुआ। भाई हाई जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, जब वाटर का टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी ज्यादा रहती है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है वो पानी नीचे की तरफ भागता है और जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो पानी ऊपर की तरफ भागता है। तो यहां पर आपको पानी का फ्लो देखिए गैस जला करके, तो उसमें पानी का फ्लो दिखाई पड़ता है कि पानी ऐसे नीचे से ऊपर चल रहा है, तो इसको बोलते हैं ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, इसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। इसीलिए आप आजकल ठंडियां सर्दी खूब पड़ रही है, सर्दी में जब आप नहाते हैं तो पानी को गर्म करते हैं, और जब पानी को गर्म करते हैं तो आप क्या करते हो कि आप पानी को गर्म करने के लिए रॉड लगाए, रॉड गर्म हो गया बाल्टी में, तुरंत उसको लेके गए और जो पहले से भरी हुई बाल्टी है ठंडे पानी की उसमें ऊपर से गर्म पानी आपने डाला। जब गर्म पानी को ऊपर से डालोगे तो गर्म पानी की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, और जब पानी की नीचे नहीं जाएगा इसका मतलब पानी की मिक्सिंग अच्छे से नहीं हुई। जब पानी की मिक्सिंग नहीं हुई तो ऊपर वाला तो गरम गरम नहा लिया, और जब नीचे चले गए तो नीचे वही ठंडा पानी भरा है, नीचे का पानी ठंडा बना रहता है। इसीलिए अगर आप पानी गर्म करते हैं तो आज के बाद याद रखना, यह साइंस की तरीके से सोचना, हमेशा गर्म पानी में ठंडे पानी को मिलाना, कभी ठंडे पानी में गर्म पानी को मत मिलाना। अगर आपने ठंडे पानी में गर्म पानी को मिलाया तो वो पानी ऊपर तैरता रहेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, जब ठंडे पानी को ऊपर से डालोगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे तक जाएगा और अच्छे से मिक्सिंग होगी, पूरे पानी का टेम्परेचर बराबर बना रहेगा। इसीलिए हमेशा नहाते समय ठंडे पानी में गर्म पानी को नहीं मिलाना चाहिए, गर्म पानी में ठंडे पानी को मिलाना चाहिए। इसलिए जब लेके जाइए उसको दूसरी बाल्टी में डालिए, फिर जाके नल खोलिए तो पानी उसमें ठंडा गिरेगा तो फ्लूड की यानी वाटर की मिक्सिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर आप उसको गर्म करते हैं, बॉयल करना चाह रहे हैं, तो हीट का ट्रांसफर जो वाटर में होगा वो बाय कन्वेक्शन होगा। किसके थ्रू होगा? कन्वेक्शन होगा, ठीक है। तो फ्लूड और सॉलिड के बीच में जो हीट का ट्रांसफर होगा कन्वेक्शन होगा, जहां किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो, सिर्फ वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो वहां रेडिएशन होगा, जहां कोई मीडियम दिखाई ना पड़े। तो जरा इस क्वेश्चन बाकी डिटेल आपको हीट ट्रांसफर में पढ़ाया जाएगा, मैं अगर पढ़ाता तो मैं वहां बताता, बट वो आपको सर पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे। व्हेन वाटर बॉयल द हीट ट्रांसफर इज बाय किसके थ्रू? अरे कन्वेक्शन के थ्रू, नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा, यानी कन्वेक्शन के थ्रू वाटर का बॉयल कर सकते हैं। बी ऑप्शन होगा, कंडक्शन तो सॉलिड में होगा यानी जहां फ्लूड फ्लो ना करे, रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहां पे कन्वेक्शन टिक करेंगे, यानी कन्वेक्शन इज द करेक्ट आंसर, कन्वेक्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हाउ मच हीट एनर्जी इन 1 सेकेंड विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2.5 किलोवाट हीटर। अरे किलोवाट का मतलब पर सेकंड जितनी एनर्जी दे रहा है वो खुद हो गया, तो 1 सेकंड में इतनी ही एनर्जी देगा, किलोवाट की जगह किलो जूल लिख दो, बस हो गया भाई, वाट का मतलब तो हो गया ना, वही पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए उतनी ही एनर्जी देगा। अगर ज्यादा सेकंड होते तो और मल्टीप्लाई करते,
घंटे में होता तो और मल्टीप्लाई करते, लेकिन इसने सेकंड में ही पूछा है, एक सेकंड में पूछा है, तो इसलिए इसमें इसमें जितनी इसने दिया है वो किलो किलोवाट की जगह किलो जूल, किलोवाट की जगह किलो, ये होगा नहीं नहीं नहीं, यानी 2.5 किलो जूल, 2.5 किलो जूल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 840 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर विल रेज इट्स टेम्परेचर बाई नियरली, लगभग कितना टेम्परेचर बढ़ा देगा अगर आपने इतनी एनर्जी दिया तो। इसका मतलब हुआ कि Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी की बात कर रहा है वो। आपने Q का मतलब इतने जूल दिया, Q का मतलब 840 जूल आपने उसको दिया, कितने ग्राम है 200 मल्टीप्लाइड C की वैल्यू, ग्राम है जूल है, इसका मतलब 4.18 इंटू डेल्टा टी। देखिए जरा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड 4.18 अच्छा ये दो जीरो गए तो ये गया, ठीक है, इसका मतलब 840 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 418, इसका मतलब 840 डिवाइडेड बाई 418 का मतलब 836, 836 लगभग 1. समथिंग आएगा, है ना, 1. समथिंग जो होगा वही ऑप्शन होगा, यस ए इज द करेक्ट आंसर, नियर बाई नियरली का है लगभग, तो लगभग 1. समथिंग का मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, यही तो पूछा है Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी से, Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी से। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, तो 1 degree, ठीक है 1 degree। क्वेश्चन नंबर समझ में आया, कुछ नहीं करना है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी लगाना है, यूनिट आपको ध्यान में रखना है, यूनिट में गड़बड़ी नहीं करना है, उसी तरह से सी की वैल्यू रखना है, इस बात को जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, यहां गलती मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वाटर इज यूजुअली हीटेड बाई, अभी बताया वाटर को किससे हीट करते हैं जनरली, कन्वेक्शन के थ्रू, जब भी वाटर आएगा वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट किया जाता है, किसी और के थ्रू हीट नहीं किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी बताया मैंने कंडक्शन क्या है बता दिया, कन्वेक्शन क्या है बता दिया, रेडिएशन क्या है बता दिया, इसमें कन्वेक्शन के थ्रू ही हीट करोगे, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के बीच में भरा हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत डिटेल से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि डिटेल से आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वेंटिलेटर फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेश एयर शुड बी, अच्छा भाई समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह कमरा है, इस कमरे में अगर आपको वेंटिलेशन लगाना है तो कहां लगाओगे, कहां लगाओगे, जनरली देखोगे तो वेंटिलेटर कभी नीचे नहीं लगाया जाता कि यहां वेंटिलेशन बना दिया जाए, वेंटिलेशन लगाएंगे तो ऊपर ही लगाएंगे, चाहे दरवाजे के ऊपर लगा दूं,
या यहां अलग से फैन लगा दो, वेंटिलेटर हमेशा रूम के ऊपर ही बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं यह बड़ा क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया आपको बेटा कि जो रूम है, रूम में जब आप वेंटिलेशन की बात करते हो, मतलब रूम में फ्रेश एयर आए और जो अनफ्रेश एयर है वो बाहर चली जाए, उसका जो अनफ्रेश एयर होगी, एग्जॉस्ट होगा, उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम यही चाहते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ डेंसिटी कम होके जाए और वो आपके एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाए। तो इसलिए डेंसिटी कम हो, वो ऊपर की तरफ से निकल जाए और फ्रेश एयर अपने आप दरवाजे वगैरह से, यानी जो एग्जॉस्ट है वो आपकी जो फ्रेश एयर ना हो उसको बाहर निकालने के लिए, लो डेंसिटी वाले को बाहर निकालने के लिए हमेशा रूम के टॉप पर लगाया जाता है, ऊपर लगाया जाता है, कहीं और नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जॉस्ट है वो आपके गर्म हवा को या इफेक्टेड हवा को बाहर निकालने के लिए होता है और गर्म हवा का हमेशा टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी कम होगी, वो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके लिए रास्ता चाहिए, इसलिए हमेशा वेंटिलेशन ऊपर बनाया जाता है। बॉटम नहीं होगा, एनीवेयर नहीं होगा, नॉट प्रोवाइडेड नहीं होगा, एट द टॉप ऑफ द रूम होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। एट द टॉप ऑफ द रूम होगा यानी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ए बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर इज हंग इन वैक्यूम। कहने का मतलब एक बाल्टी में पानी भरा है और वैक्यूम क्रिएट, ये रूम है, ये रूम है, इस रूम में हमने क्या किया, इस रूम में हमने एक बकेट में पानी टांग दिया, इस रूम में बकेट टांगने के बाद इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम का मतलब निर्वात, कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है। वैक्यूम का मतलब निर्वात, जिसमें एयर भी ना हो। जब कोई मीडियम नहीं होगा तो वहां ना तो कंडक्शन हो सकता है ना तो कन्वेक्शन हो सकता है। अगर वैक्यूम है तो ना तो कंडक्शन हो सकता है ना तो कन्वेक्शन हो सकता है, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन जो निर्वात में चलता है, माइक्रो वेवलेंथ के फॉर्म में चलता है, ठीक है, जिस जो निर्वात में मूव करता है, जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वैक्यूम का मतलब है कि वहां कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, इवन दैट वहां एयर भी नहीं है, वैक्यूम है। तो कूल्ड बाय कंडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहां मीडियम की रिक्वायरमेंट है, कूल्ड बाय कन्वेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि मीडियम की रिक्वायरमेंट है, कूल्ड बाय रेडिएशन हो सकता है क्योंकि इसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्यूम में केवल रेडिएशन ही हो सकता है, इसलिए कूल्ड बाय रेडिएशन होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। हीट इंटरैक्शन बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। हीट का इंटरैक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरैक्शन है, तो एनर्जी इन ट्रांजिट, यस ये बात तो सही है भाई, प्रोसेस के साथ रिलेटेड है, ट्रांजिशन फॉर्म में है, एक से स्टार्ट हुआ अंत तक गया, जब तक प्रोसेस है तब तक वो है, यानी ट्रांजिशन फेस में है, तो एनर्जी इन ट्रांजिट की बात तो करेगा, वो एनर्जी इन ट्रांजिट की बात करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द सिस्टम,
डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब है सिस्टम के चॉइस की बात तो कहां से, ये सब कोई बात ही नहीं है। कैन बी आइडेंटिफाई आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, प्रोसेस के साथ ही एसोसिएटेड होता है हीट और वर्क ट्रांसफर। प्रोसेस खत्म तो कहानी खत्म, भूल जाओ कि आपका कोई हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर हो रहा था। इट इज ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। नॉट यानी ए रिप्रेजेंट एनर्जी इन ट्रांजिशन यानी ट्रांजिट, रिप्रेजेंट एनर्जी इन ट्रांजिशन यानी ट्रांजिट यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये बार बार बताया हूं, अभी वहां भी आया था जब लास्ट में मैंने सिमिलरिटीज बताई थी, एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म हीट एंड वर्क बोथ आर ट्रांजिशन फेज में होते हैं, जब तक प्रोसेस है तब तक होगा, उसके अलावा वो नहीं होगा, इसलिए इनको ट्रांजिशन फेज में या एनर्जी एनर्जी इन ट्रांजिट की बात करेगा, किसी और की बात नहीं करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क डन इक्वल टू पीडीवी फॉर, अब बताइए कितनी बार बताया मैंने, कितनी बार एक्सप्लेन किया इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी, कितनी बार आपको बताया, कितनी बार बताया कि यह किसके लिए वैलिड होगा, या पी इंटू डीवी किसके लिए वैलिड होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा क्या? कभी हो ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह पाथ पे डिपेंड करता है। तो अगर वो रिवर्सिबल होगा यहां से यहां, यहां से यहां, तभी वैलिड होगा, नहीं तो अगर इरिवर्सिबल का मतलब दूसरा पाथ कर लेगा तो ये अलग हो जाएगा, तो इरिवर्सिबल के लिए हो ही नहीं सकता है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन हो नहीं सकता जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आगे आएगा बताएंगे क्या होता है। द अरेंजमेंट वेयर वर्क डन ऑन द गैस एज द पेडल व्हील टर्न बाई द, नहीं, वर्क इज इक्वल टू पीडीवी जो आएगा वो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए होगा, प्रोसेस नॉन फ्लो होना चाहिए, मस्ट बी रिवर्सिबल होना चाहिए, और क्वासी स्टैटिक एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्वासी स्टैटिक जिसके इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी इक्विलिब्रियम में होते हैं, वो सबके सब होते हैं, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में होंगे, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस मान के चलते हैं, इसलिए, और नॉन फ्लो के लिए ही होगा, फ्लो के लिए हम बात नहीं करेंगे। मैंने 10 बार कहा था कि अगर फ्लो के लिए पी इंटू डीवी यूज किया तो आई किल यू, ठीक है, तो नॉन फ्लो की ही बात करेंगे, फ्लो की बात नहीं करेंगे। तो नॉन फ्लो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन 1 to 2 पी इंटू डीवी गिवेन गिव्स द मेजर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग नॉन फ्लो रिवर्सिबल, नॉन फ्लो होना चाहिए यानी सिस्टम क्लोज होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, देखिए कौन सा प्रोसेस है, स्टडी फ्लो नहीं, कहां से फ्लो आया, ओपन सिस्टम कहां से ओपन आया, एनी सिस्टम एंड एनी प्रोसेस नहीं, एनी सिस्टम के लिए नहीं हो सकता है, नॉन फ्लो होगा, रिवर्सिबल होगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अभी जस्ट बताया, बोलो भैया, है ना, कितनी बार पॉइंट लिखाया है मैंने, उन पॉइंट को याद रखिए, गलत हो नहीं सकता है, पॉइंट याद रखिए, गलत हो नहीं सकता है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया, एरिया बिलो द पीवी डायग्राम, एरिया प्रेशर वॉल्यूम एरिया बिलो द पीवी डायग्राम, एरिया बिलो द पीवी डायग्राम ऑफ ए नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट क्या है, अरे ये क्या है भाई, एरिया बिलो द कर्व पी इंटू डीवी के बराबर, बोलो भाई ये क्या है, यही तो वर्क ट्रांसफर है, एरिया बिलो द कर्व
ऑन द वॉल्यूम एक्सिस इज नोन एज वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, इज नोन एज वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। तो हीट ट्रांसफर हो नहीं सकता, मास ट्रांसफर हो नहीं सकता, एंट्रॉपी हो नहीं सकता, वर्क ट्रांसफर। ऑलरेडी बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए मुझे यह बताने में देर नहीं लग रही है, थोड़ा सा अच्छे से स्पीड से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको लगे कि हमें कोई कंफ्यूजन है तो मैंने आपको बार बार बोला, आप अश्वनी सर से मेरा नंबर मांग सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप देख सकते हैं, बता भी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को, 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 19, कुछ नहीं कह रहा, क्या कह रहा है जरा देखिए। अगर आपको यह कर्व पता है, दो चीजें मैंने बताई थी आपको, यहां से यहां जाओ जब टेम्परेचर चेंज हो तो सेंसिबल हीट होती है, जब फेज चेंज हो तो लेटेंट हीट होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, कोई गलती नहीं होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कह दिया, कौन हो सकता है, सेंसिबल हीट होगी। रेज द टेम्परेचर 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0° C टू द सेचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है, एट ए गिवन कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज सेंसिबल लेटेंट सुपरहीट। भाई 0° C से सेचुरेशन तक ले जाते हैं, सेचुरेशन के बाद ले जाएंगे तो सुपरहीट यानी वेपर को सुपरहीट करते हैं, ठीक है। वाटर की बात किया है तो वो होगा नहीं, लेटेंट हीट तो फेज चेंज की बात करेगा, ये होगा नहीं, एंट्रॉपी का कोई मतलब नहीं है, यानी सेंसिबल हीट, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। भाई यही है ना, यहां से यहां तक की बात कर रहा, ठीक है, ठीक है। यानी आइस था, आइस के पास यानी 0° C का वाटर था, 100° C के वाटर में कन्वर्ट किया, यहां से यहां पहुंच गए तो ये सेंसिबल हीट हो गई। अब 100° C का वाटर 100° C की स्टीम में कन्वर्ट होगा, ये 100° C की, तो ये लेटेंट हीट हो जाएगी, यहां से यहां तक ये सेंसिबल हीट हो गई। अगर यहां से आगे ले जाते तो यहां भी सेंसिबल हीट है, लेकिन इसका नाम पड़ जाता है सुपर हीटिंग, तब आप सुपर हीट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेंसिबल हीट, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 सेंसिबल हीट डिफिनीशन है, कितनी बार बताया, सेंसिबल हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ यानी क्यू स्पेसिफिक हीट, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, एम की वैल्यू 1 kg, डेल्टा टी की वैल्यू 1°C, 1 kg 1°C, देन क्यू इज इक्वल टू सी, मीन्स टू रेज यूनिट डिग्री टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, नहीं केवल यूनिट डिग्री नहीं, 1 kg भी होना चाहिए, टू रेज यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री टेम्परेचर, थ्रू यूनिट डिग्री टेम्परेचर टू रेज यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 10 degree, नहीं यूनिट टू रेज यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, 1 kg मास का सब्सटेंस का 1 degree टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट है वही सेंसिबल हीट है। यही तो कह रहा है, यानी इसलिए मेरे हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द
करेक्ट आंसर इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हो गया, डिफिनीशन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हीटेड, 30 डिग्री से 75 डिग्री तक वाटर को हीट किया गया, 30 डिग्री से 30 डिग्री पे था, 75 तक हीट किया, इसके आगे भी हीट कर सकते हैं लेकिन यहीं तक हीट किया, इसका मतलब यहां पे हम इसको सेंसिबल हीट दे रहे हैं। देन हीट ऑब्जर्व इज नोन एज सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हीट नहीं, लेटेंट हीट नहीं, नॉर्मल हीट नहीं, दैट इज द सेंसिबल हीट। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से वही क्वेश्चन आया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, दो ही चीजें हैं, या तो सेंसिबल हीट की बात करेगा या तो लेटेंट हीट की बात करेगा। कह रहा 30 से 75 पे ले गए, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो सेंसिबल हीट होगी, यानी यहां पे सेंसिबल हीट होगा। क्लियर है? एकदम क्लिस्टर क्लियर है, कुछ नहीं है। मैंने कहा ना आप उधर से पढ़ लो, चीजें यहां की एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअली पढ़िए सब्जेक्ट को, रटने की कोशिश मत करिए, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? अगर आप रटेंगे तो प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो सब्जेक्ट में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब्जेक्ट में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक से दूसरे को रिलेट करके देखिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? सेंसिबल हीट इज द नीडेड टू, सेंसिबल हीट इज नीडेड टू। देखिए चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अब बताइए कौन सा होगा। वेपराइज वाटर इनटू स्टीम, नहीं भैया, कहां से बात कर रहे हैं? ये वाटर को स्टीम में वेपराइज करने का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो इसको तो लेटेंट हीट बोल दिए, ये वेपराइज हो नहीं सकता है। चेंज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और वेपर, यस, लिक्विड का टेम्परेचर यहां से यहां तक चेंज करिए या वेपर का टेम्परेचर यहां से यहां तक चेंज करिए, इसी को सेंसिबल हीट बोलते हैं, इसी को सेंसिबल हीट बोलते हैं। कन्वर्ट वाटर इंटू स्टीम, नहीं। मेजर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, नहीं। यानी बी इज द करेक्ट आंसर। कौन हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से देख लीजिए भाई, जहां टेम्परेचर इंक्रीज की बात करे, डिक्रीज की बात करे, वहीं पर सेंसिबल हीट होगी, जहां फेज चेंज की बात कर दे वहां पर लेटेंट हीट होगी, जहां पर फेज चेंज की बात कर दे वहां पर लेटेंट हीट होगी, और जहां पर टेम्परेचर चेंज की बात कर दे वहां पर सेंसिबल हीट की बात करेगा, किसी और की बात वो कभी कर नहीं सकता है, याद रखिएगा। इसी पे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया इसको तो आपका कभी भी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों ने देखा कि अगर ये लिक्विड है, लिक्विड है, एक लिक्विड की स्पेसिफिक हीट, अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, इन द लास्ट क्लास जब हमने डिस्कशन किया था, क्या क्या सॉलिड की बात किया था, लिक्विड की बात किया था, वेपर की बात किया था, यानी गैस की बात किया था। अगर यहां पे सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है, यहां पे सॉलिड है, यहां पे लिक्विड है, यहां पे गैस है, अगर इन तीनों को आपने हीट दिया, इन तीनों को हीट दिया, यहां पिस्टन है तीनों में, तीनों को हीट दिया, जब आप हीट देते हो तो हीट देते समय सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, वेपर लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, यानी चेंज इन वॉल्यूम इन लिक्विड एंड सॉलिड मस्ट बी इक्वल टू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इन लिक्विड एंड सॉलिड इज नेग्लिजिबल, यानी लगभग जीरो के बराबर है। लेकिन जब गैस को आपने हीट प्रोवाइड कराया, जब गैस को आपने हीट प्रोवाइड कराया तो इसके वॉल्यूम में चेंज आता है, इसके मॉलिक्यूल मोशन के लिए ज्यादा फ्री होते हैं तो वॉल्यूम में चेंज करते हैं। इसीलिए गैस के केस में हमारे पास दो स्पेसिफिक हीट आई थी, एक कांस्टेंट प्रेशर की और दूसरी कांस्टेंट वॉल्यूम की।
बट सॉलिड और लिक्विड के केस में चेंज इन वॉल्यूम नेग्लेजिबल था, चेंज इन वॉल्यूम नेग्लेजिबल था, तो डेल्टा वी लगभग जीरो हुआ, तो डब्ल्यू जीरो हुआ। जब डब्ल्यू जीरो हुआ तो जो सीपी और सीवी हैं वो दोनों क्या हो गए, लगभग बराबर हो गए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस जो है वो डब्ल्यू की वजह से आ रहा था। अगर डब्ल्यू ही नहीं है तो सीपी और सीवी दोनों क्या है, बराबर होंगे। सीपी और सीवी दोनों क्या है, बराबर होंगे। इसीलिए ये इसको हम सी से डिनोट करेंगे, यानी सॉलिड और लिक्विड के केस में केवल एक स्पेसिफिक हीट होगी, बट वेपर के केस में दो स्पेसिफिक हीट होंगी। यहां पे नो स्पेसिफिक हीट गलत है, डिफरेंट वैल्यू स्पेसिफिक हीट एट सेम टेम्परेचर गलत है, ओनली वन स्पेसिफिक हीट, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, यह भी नहीं हो सकता है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। फॉर ट्रांजिशन, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीडियम इज रिक्वायर्ड। मैंने पीछे बताया इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, मैंने पीछे आपको बताया कि अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो दो के केस में है, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन। रेडिएशन में किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें निर्वात में चलता है। तो अगर कंडक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यस, कन्वेक्शन की मीडियम में रिक्वायर है, यस, रेडिएशन में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिस ऑप्शन में वन और टू हो वही करेक्ट आंसर होगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी वन और टू, यानी ये दोनों होंगे, वन और टू ये दोनों होंगे, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24, कंडक्शन और कन्वेक्शन में रेडिएशन की रिक्वायर, कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, किसी और में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसी और में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं, ट्रांजिएंट एनर्जी यानी हीट एंड वर्क की बात करते हैं, यानी सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं जरा। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आगे वाले उधर वाले क्वेश्चन लगाए हैं तो ये भी बहुत आसानी से लग जाएंगे, कुछ है नहीं इसके क्वेश्चन में, जरा देखिएगा ध्यान से, जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है 2 kg, यानी m की वैल्यू दे दिया, m की वैल्यू दे दिया 2 kg, सब्सटेंस रिसीव 5 kJ, यानी हीट की वैल्यू, Q की वैल्यू 500 kJ दे दिया, एंड अंडर गोज ए टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 100 to 200, यानी डेल्टा टी दे दिया, कितना, 200 - 100 = 200°C। ठीक है, द एवरेज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी C की वैल्यू उसने पूछा है ना, यही तो पूछा है। तो आपको पता है फार्मूला कि Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो C पूछा है तो C इज इक्वल टू Q अपान एम इंटू डेल्टा टी, Q की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू 2, डेल्टा टी की वैल्यू 100, ये दोनों गए, ये हुआ 2.5, इसका मतलब C की वैल्यू 2.5, इसकी यूनिट किलो जूल में है तो किलो जूल, मास की वैल्यू केजी में है तो केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन कुछ भी कह दे, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, तो 2.5 किलो जूल पर केजी केल्विन, 2.5 किलो जूल पर केजी केल्विन। देखिए ऑप्शन कौन सा, नहीं ये नहीं है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2.5 किलो जूल पर केजी के लिए, ठीक है, 2.5 किलो जूल पर केजी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, यस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ आना चाहिए, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके लिए जैसे 200 वाट दिया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, ठीक है, इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, यानी क्यू की वैल्यू जीरो है,
तो फर्स्ट ला हमें पढ़ना पड़ेगा डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, फिर यहां से आएगा। तो इस क्वेश्चन को अभी यहां पे छोड़ते हैं, आगे जब हम फर्स्ट ला पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को वहां सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर लेंगे तो वहां आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बट फर्स्ट ला पढ़ने के बाद आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट ला पढ़ने के बाद अपने अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। इसका आप सिर्फ कुछ नहीं करना, सबको एक साथ कर देना है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है तो निकल जाएगा, ठीक है। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, निकल जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके लिए आपको फर्स्ट ला पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पे रोकेंगे, आगे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहां पे लो की जगह हाई लिखिएगा, ठीक है, और इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सब सही है, ठीक है। या तो अगर यहां भी हाई लिखा है तो फिर नन ऑफ दीज करिए, क्योंकि हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, ये करेक्ट है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो नन ऑफ दीज कर सकते हैं डी ऑप्शन। इसके हिसाब से अगर जो क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से करना है तो यहां हाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब होगा ये, क्योंकि हीट लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए साइकिल का यूज करते हैं जो सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है, और यहां पे नन ऑफ दीज कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये देखिए वही क्वेश्चन यहां पे आया, वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी, करेक्ट है, मैंने बताया ना वर्क ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी हाई ग्रेड एनर्जी की बात करेगा, यानी मोड ऑफ जो ट्रांसफर है, ठीक है। वर्क एंड हीट आर नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, ठीक है, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, ये देखिए हीट इज हाई ग्रेड एनर्जी लिखा है ना, ये गलत है, इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट का मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, हीट हाई ग्रेड एनर्जी नहीं है, हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है, हीट हाई ग्रेड एनर्जी नहीं है, हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है, ठीक है। वर्क इज कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू हीट एनर्जी, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, कह रहा है कि वो सुपीरियर है, कह रहा है कि वो सुपीरियर है, क्यों क्यों, चारों ऑप्शन चेक करिए, वर्क इज कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू हीट एनर्जी बिकॉज, क्यों ऐसा है, देख लीजिए आपको खुद ही मिल जाएगा, खुद ही मिल जाएगा। फर्स्ट कह रहा है वर्क इज डायरेक्ट एनर्जी, वर्क इज यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हाइल वर्क कैन बी फुली कन्वर्टेड इंटू हीट एंड हीट कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड इंटू वर्क। अब ये स्टेटमेंट, जैसे ये क्वेश्चन है, जब फर्स्ट ला पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, तो हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में पूरी तरीके से कन्वर्ट करना पॉसिबल है, पूरे के पूरे वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पूरी हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अगर वही पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती तो फिर सेकेंड ला में जो पीएमएम सेकेंड है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी जरूरत, तो लो ग्रेड एनर्जी को कभी भी पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, इसीलिए आपके इंजन में भी सिलेंसर लगाए जाते हैं कि कुछ हीट सराउंडिंग में जाए, उसका कुछ पार्ट वर्क के फॉर्म में मिले, तो इसके हिसाब से व्हाइल वर्क कैन बी फुली कन्वर्टेड यस इनटू हीट
बट हीट कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड इंटू वर्क, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंसुलेटेड रिजिड, देखिए जरा, इंसुलेटेड रिजिड वेसल कंटेन्स सम गैस एंड इलेक्ट्रिक रजिस्टर इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, द रजिस्टेंस कनेक्टेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पावर हीट्स द गैस कंसीडरिंग द वेसल एंड इट्स कंटेंट एज द सिस्टम। हीट एंड वर्क ट्रांसफर आर जीरो, हीट एंड वर्क ट्रांसफर आर पॉजिटिव, हीट ट्रांसफर इज जीरो एंड वर्क ट्रांसफर इज निगेटिव, हीट ट्रांसफर इज पॉजिटिव एंड वर्क ट्रांसफर इज जीरो। मैंने आपको अलग अलग बाउंड्री लेके पहली क्लास में बताया था, अगर वो क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देख के सोच के समझ के बताइए क्या हो सकता है। सबसे ऊपर एक चीज उसने लिख दिया है, सबसे ऊपर एक चीज उसने लिख दिया है, अगर वो आप देख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर वो देख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है और इलेक्ट्रिक पावर को कनेक्ट कर दिया गया है बाहर से, इसका मतलब जो इंसुलेटेड है, एक इंसुलेटेड रिजिड वेसल है, इंसुलेटेड है मतलब इसमें से हीट बाहर तो नहीं जाएगी ना हीट अंदर जाएगी, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का कनेक्ट किया गया, मतलब इसको गर्म करने के लिए, अंदर वाले को करने के लिए हमने कुछ वर्क इसको दिया तब ये अंदर वाले को गर्म किया। अगर अंदर वाले को चलाने के लिए वर्क देना पड़ा, जब हम सिस्टम को वर्क देते हैं तो निगेटिव कहलाता है, हीट का ट्रांसफर होगा नहीं तो जीरो हुआ, इसका मतलब इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर इज जीरो एंड वर्क ट्रांसफर इज निगेटिव, क्योंकि हीट गैस को गर्म करने के लिए या तो आप हीट करिए, और इंसुलेटेड है तो हीट करेंगे नहीं लेकिन उसमें कुछ पडेल वगैरह चलाएंगे जिससे कि वो गर्म हो जाए, जिससे कि वो हीट हो जाए, तो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई किया यानी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो निगेटिव होगा, इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर जीरो होगा, यानी जीरो जीरो और निगेटिव, तो जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, पैडल लगी है इसलिए वर्क होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ में आएगा तो और दिखेगा आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हीट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, हीट इज स्टोर इन ए बॉडी एज इंटरनल एनर्जी, हीट इज स्टोर इन ए बॉडी एज इंटरनल एनर्जी, नहीं, जब प्रॉपर्टी नहीं है तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कह रहा है नहीं स्टोर नहीं होती, कह रहा है वो डिपेंड करता है, हीट इज ए पाथ डिपेंडेंट, हीट पाथ पे डिपेंड करती है, हीट पाथ पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 नहीं होगा, 1, 2, 3 नहीं होगा, डी नहीं होगा यानी सी नहीं होगा, इसका जो 3 है हीट पाथ फंक्शन है, मैंने पहले भी बताया कि हीट इज ए पाथ फंक्शन, तो हीट पाथ फंक्शन होगा कोई और नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डी इज द करेक्ट आंसर, पहले बता चुका हूं इसको बहुत ज्यादा। ए सॉलिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट द स्पेसिफिक हीट, देखिए मैंने बताया है आपको, देखिए मैंने बताया है आपको, अभी जस्ट आज बताया है, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि अगर आप सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तो उस समय स्पेसिफिक हीट क्या होगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तो उस समय स्पेसिफिक हीट क्या होगी, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तो फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा टी जीरो हो गया, डेल्टा टी जीरो हो गया, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इन टू डेल्टा टी, डेल्टा टी जीरो हुआ इसका मतलब ये इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा है ना,
भाई, एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देते हैं वो स्पेसिफिक हीट है। अब एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जब टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा तो फिर क्या होगा? इसलिए इनफाइनाइट होगा, जीरो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव हो नहीं सकता, यानी जीरो। ठीक है, तो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल चेंजेस। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, वैसा ही क्वेश्चन आया, फिर से देखिए। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, अभी बताया हूं इससे जस्ट पहले मैंने, अभी जस्ट इससे पहले मैंने बताया है कि आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी कांस्टेंट, यानी डेल्टा टी जीरो। जब डेल्टा टी जीरो तो इनफाइनाइट, जब डेल्टा टी जीरो तो इनफाइनाइट। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया भी है कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, फेज चेंज हो, उस समय स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है। इसी के स्पेशल दो केस हैं हीट ट्रांसफर में पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है, वो वहां से दिखेगा आपको। नेक्स्ट, नेचुरल कन्वेक्शन ए हीटेड पोर्शन ऑफ लिक्विड मूव्स बिकॉज। नेचुरल कन्वेक्शन होता है, जो हीटेड लिक्विड है वो मूव करता है, क्यों कह रहा है वो मूव करता है, ऐसा क्यों? मैंने बताया कि अगर आप हीट करोगे तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब इट्स मॉलिक्यूल मोशन बिकम अलाइन, नो द मॉलिक्यूलर कोलिजन विथ इन द नो द डेंसिटी इज लेस देन ऑफ द सराउंडिंग फ्लूड। यस, जो सराउंडिंग फ्लूड है उससे उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम हो जाती है, और जब डेंसिटी कम होती है तो ऊपर की तरफ ऐसे चलने लगता है फ्लूइड, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, चलने लगता है, इसलिए वो मूव करता है, इसलिए उसमें नेचुरल कन्वेक्शन होता है, इसलिए उसमें कन्वेक्शन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इट इज हॉटर एट द सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप ऑफ ए फायर देन इट इज ऑन द साइड ऑफ इट मेनली बिकॉज। क्या कह रहा है? कह रहा है हॉटर एट द सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप। अगर आप देखें तो ऊपर ज्यादा हॉट होता है, नीचे कम हॉट होता है, उसका रीजन क्या है? हीट इज रेडिएंट अपवर्ड, एयर कंडक्ट हीट अपवर्ड, कन्वेक्शन टेक प्लेस मोर हीट इन अपवर्ड, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ऑल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन ट्रांसफरिंग हीट अपवर्ड। अब बताओ आप अभी जस्ट पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, बताओ वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। या कन्वेक्शन होगा, डेंसिटी कम होगी, हीट होगा, डेंसिटी कम होगी, ऊपर की तरफ हॉट फ्लूइड भागेगा तो ऊपर की तरफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, नीचे की तरफ का टेम्परेचर कम होगा। मैंने आपको बताया है ये बात, इसका मतलब क्या होगा? या ये तो बात नहीं होगी, ये कोई बात, ये कन्वेक्शन टेक प्लेस मोर हीट अपवर्ड, क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से जो पार्टिकल है उनका टेम्परेचर कम होगा, हाई होगा, तो वो ऊपर की तरफ भागेंगे, क्योंकि डेंसिटी क्या हो गई? अभी जस्ट पीछे वाले में बताया था, टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी लो हुई तो फ्लूड ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है। जब ऊपर की तरफ फ्लूड भागेगा तो ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, नीचे का टेम्परेचर कम होगा, ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और नीचे का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ध्यान से क्या कहता है, देखिए ध्यान से क्या कहता है। द ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस हीट गिवेन ए बॉडी इज यूटिलाइज्ड। मेल्टिंग प्रोसेस करते समय जो हीट है उसका क्या काम है? मेल्टिंग का मतलब जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा करके वाटर में कन्वर्ट करना, तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने की बात करेगा क्या वो? इंक्रीज द टेम्परेचर? नहीं, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता। इंक्रीज द डेंसिटी? नहीं। इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स?
यस, इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। भैया सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, आपने उसको दिया हीट, जब उसको दिया हीट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड हुए कमजोर, तो वो हुए दूर दूर, तो वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मॉलिक्यूल्स के यानी एवरेज डिस्टेंस है उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डू सो इच। मतलब 2 ग्राम के आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टीम में कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है ये आपको सोचना है, क्या क्या होगा सुनिए मेरी तरफ। भैया पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करो, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टीम में कन्वर्ट करो, स्टीम में कन्वर्ट करो। इसका मतलब यहां से यहां तक आइस से वाटर में, यहां से यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज कराया, यहां से यहां तक वाटर से स्टीम में, मतलब जहां टेम्परेचर इंक्रीज किया यहां सेंसिबल हीट की बात करेगा, जहां पर आइस से वाटर में कन्वर्ट किया टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां लेटेंट हीट की बात करेगा, जहां वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर रहा टेम्परेचर सेम है यहां पे भी लेटेंट हीट की बात करेगा। यानी दो जगह वो लेटेंट हीट की बात करेगा, दो जगह वो लेटेंट हीट की बात करेगा और एक जगह सेंसिबल हीट की बात करेगा। तो जो टोटल हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, टोटल हीट का मतलब कहां से कहां तक इतनी हीट चाहिए जो कि क्यू आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दे, प्लस वो हीट चाहिए जो वाटर को 0 डिग्री से 100 डिग्री में कन्वर्ट कर दे, प्लस वो हीट चाहिए जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दे। तीन चाहिए मुझे, इन तीनों को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर टोटल जो हीट है m into l, वन मिनट क्या हुआ, तो यहां पर आइस वाटर है, यहां पर फेज चेंज हो रहा तो q = ml होगा, प्लस यहां पर m into c into delta t होता और यहां पर भी q = m into l होगा। अगर इनको कैलकुलेट कर लिया जाए तो मेरा काम सारा बन जाएगा। अब यहां पर q = m into l है, 2 ग्राम है मास की वैल्यू, तो 2 ग्राम है इंटू आइस है। अब जब ये है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मुझे कैलोरी में रखना पड़ेगा। आइस को वाटर में कन्वर्ट करते समय देखिए मैंने आपको टेबल में बताया कि 80 के आसपास होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर आप देखेंगे तो 2 into 80 के आसपास ही आ जाएगा आपका, प्लस m into c into delta t। जब m into c into delta t करेंगे तो m की वैल्यू 2 ग्राम है और कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो c की वैल्यू 1 होती, वहां पे देखिएगा, ठीक है, वाटर के केस में देखिएगा खुद ही आपको मिलेगा। डेल्टा t की वैल्यू कितनी है,
डेल्टा टी की वैल्यू 0 से 100 है यानी 100 हो गया, प्लस एम इंटू एल यानी एम की वैल्यू 2 हो गई। और जब वाटर से स्टीम में करते हैं तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन में लगभग एल की वैल्यू मैंने 540 के आसपास आपको बताई है, आपके उसमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अगर वो 540 के आसपास है कैलोरी पर ग्राम, 540 के आसपास है, तो इन सबको जोड़ दीजिएगा, ये जो वैल्यू आएगी और ये जितनी भी आएगी वही लगभग आंसर जो सबसे पास हो, दैट इज द करेक्ट आंसर, और उसके हिसाब से शायद ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इस सबको पुट करिएगा, आपका ये मिल जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आप देख लीजिएगा निकाल निकाल के, मैंने आपको दिया है क्या कहां पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो यही तीन चीजें होंगी। क्वेश्चन नंबर 14, लिक्विड ए एंड बी आर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन मिक्स इन इक्वल मासेस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज फाउंड टू बी 35 डिग्री सेंटीग्रेड, देयर स्पेसिफिक हीट्स आर द रेशियो। भैया एक गर्म है दूसरा ठंडा है, एक जितनी हीट देगा दूसरा उतनी हीट लेगा, यानी एम ऑफ ए इंटू सी ऑफ ए इंटू डेल्टा टी ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, मास ऑफ बी इंटू सी ऑफ बी इंटू डेल्टा टी ऑफ बी, यही तो होगा। मास दोनों का सेम है, देखिए ना इक्वल मासेज लिखा है, तो यम हटा दो आप, अगर मास सेम लिखा है तो एम एम हटा दो, यहां से एम गायब कर दो, सी की वैल्यू सी ए इंटू डेल्टा टी, पहले का 45 है बाद का 35 है, यानी 45 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू सी बी, पहले बाद का 35 है और इसका 25 है माइनस 25, यानी सी ए इंटू 10 इज इक्वल टू सी बी इंटू 10, यानी सी ए डिवाइडेड बाई सी बी इज इक्वल टू 10/10 यानी 1:1, यानी जो सी इज टू सी बी निकला वो आया 1:1। कहां ऑप्शन है ढूंढो, ये नहीं है, ये है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है, कह रहा 5 kg आयरन बार है, 5 kg आयरन बार है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही काम है, कह रहा है कि ये 5 kg आयरन बार है, स्पेसिफिक हीट इतनी इतनी है, इतने ब्लॉक के ये आइस है, ये बर्फ है, इस आइस में इस बर्फ में आपने आयरन ब्लॉक रख दिया है, एक आयरन ब्लॉक आयरन बार रख दिया है। अब जितनी हीट आयरन बार देगा उतनी ही हीट आइस में जाएगी और वो मेल्ट होगा। हाउ मच आइस मेल्ट यानी मास उसका निकालना है, आप निकाल सकते हैं, एक से जितनी जाएगी उतना दूसरा लेगा, तो आयरन बार की जो हीट होगी वो किसके इक्वल होगी, Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, आप निकाल लीजिएगा। स्पेसिफिक हीट दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट दिया है और 5 kg दिया है, पुट कर दीजिए, निकाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। और जितनी यानी ये हुआ 5, स्पेसिफिक हीट 0.12, डेल्टा टी की वैल्यू 90 है, और जितनी हीट ये देगा उतना ही आइस लेगा और आइस की वैल्यू एम इंटू एल के इक्वल होगी, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। इसका मतलब क्यू ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्यू ऑफ आइस, तो 5 × 0.12 × 90 इज इक्वल टू एम इंटू डेल एल, और एल की वैल्यू आपको पता है, अगर आप देखें कि एल की वैल्यू आइस के लिए कन्वर्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट होती है वो 80 होती है, वहां पे देखिए मैं लिखा हुआ है,
मैंने वहां पे बताया है, साल्व करेंगे यहां से मास की वैल्यू आ जाएगी। साल्व करेंगे उसको, एक काम करिएगा, इसको 90 है ना, किसमें रखा है इसने, कैलोरी में रखा है, तो 5 क्रॉस 10 टू पावर 5 3 जरूर कर दीजिएगा, कैलोरी में है ना, कैलोरी पर ग्राम में, जब कैलोरी पर ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करिएगा, तो 5 क्रॉस 10 टू पावर 3 रखिएगा, 5 क्रॉस 10 टू पावर 3 रखिएगा, ठीक है, यानी 5 क्रॉस 10 टू पावर 3 रखिएगा, जब तक 5 क्रॉस 10 टू पावर 3 नहीं रखें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मास की वैल्यू 675 आ जाएगी, है क्या, 675, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, जितनी हीट ये देगा आयरन उतनी हीट आइस लेगा, आयरन से जो टेम्परेचर डिफरेंस है तो Q इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी होगा, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी होगा, आइस मेल्ट होगा तो Q इक्वल टू एम इंटू एल होगा, हमें एम निकालना है, एल की वैल्यू 80 होती है, आपको पता है मैंने पीछे बताया है, ठीक है, लेटेंट हीट, ठीक है, और इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना, तो 10 टू पावर 3 इंटू 5 इंटू 0.12 इंटू 90 जो भी है उसको पुट कर देना टेम्परेचर डिफरेंस को, तो ये आपको मास की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, दोनों को इक्वेट करके लगा दीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली ये भी है, 1 kg आइस एट 0 degree centigrade इज मिक्स विथ 2 kg ऑफ वाटर एट 25 degree centigrade, द रिजल्टिंग टेम्परेचर विल बी, एक जितना टेम्परेचर देगा दूसरा उतना टेम्परेचर उतनी हीट लेगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 kg है, उसको मेल्ट कर 1 kg को मेल्ट कराने के लिए अगर मिक्स विथ 2 kg ऑफ वाटर के साथ है तो दोनों के इक्वेट जितना रिलीज करेगा उतना दूसरा लेगा, तो वहां से कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है, लगा लेंगे इसको, ठीक है, कैलकुलेट करके देखिएगा, और देखिएगा आप जब इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 kg आइस 0 degree centigrade पर है, अगर उसको हीट जो रिक्वायर्ड है 1 kg आइस को मेल्ट कराने के लिए वो आपको लगभग कितना भाई उसकी m into l, अब अगर 1 kg लिखा है Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, इंटू एल का मतलब 80, ठीक है, तो इसका मतलब 80 किलो कैलोरी, यही तो होगा, इतनी हीट ये रिलीज करेगा, वाटर वाले में टेम्परेचर बढ़ाना है, केजी ऑफ वाटर टू रिजल्टिंग टेम्परेचर विल बी, अब जो दूसरा है वो कह रहा है जो वाटर में मिक्स कराना है m into c into delta t का मतलब m into c into delta t आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, m की वैल्यू 2 kg है तो 2000 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड c की वैल्यू 1 25 माइनस 0, ठीक है, तो ये हो गया 25 × 50 यानी 50, और 3 0 है तो मैं कैलोरी ना लिख करके किलो कैलोरी इसे भी लिख दे रहा हूं। अब देखिए जो वाटर है वो कितनी हीट देता है, 50 किलो कैलोरी, जो आइस है उसको मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए, 80 किलो कैलोरी, जितनी चाहिए उससे भी कम है, तो क्या ये टेम्परेचर बढ़ा पाएगा क्या, क्या ये टेम्परेचर बढ़ा पाएगा क्या, नहीं बढ़ा पाएगा, इसका मतलब जितना आइस का टेम्परेचर है उतना ही वो बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि ये रिलीज करता है जो वाटर है m into c into delta t से c की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2000, 25 माइनस 0 इतना आएगा, ये इसको इतना चाहिए, ये इससे कम है, यानी 80
जो 50 है वो लेस देन 80 है तो टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लगा, यहां से आपके ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने कराए, आज मैं थोड़ा सा स्पीड से आपको बताने की कोशिश किया हूं कि क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरे पहले बता चुका था इसलिए आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लिस्टर क्लियर है, सब कुछ मैंने बताया है। घर पे क्वेश्चंस लगाइएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है, इसके वीडियोस देखने में समझने में। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।